हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जर्नल ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसका बेसिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जर्नल एंट्रीज को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि तीन है। पर्सनल अकाउंट होता है कोई भी टाइप का नेम। फिर बारी मैंने आपको बताई थी रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है? कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी या एसेट। फिर आपको मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है इनकम या एक्सपेंसेस बिजनेस के। ठीक है, तो अगर नेम हुआ तो पर्सनल अकाउंट, अगर प्रॉपर्टी हुआ तो रियल अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंस हुआ बिजनेस का तो हम लोग उसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके कुछ रूल्स भी बताए थे कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब बात करते हैं एंट्रीज की। तो मैं एंट्रीज किस तरीके से फॉर्म करना है वो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जो एग्जाम्पल्स करने वाले हैं ये पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस दिया है। पहला सेंटेंस लिखा है अजय गेव 10,000 टू विजय। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। बिजनेस में ऐसे सेंटेंसेस को जो हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी घटना घटती है ना किसी भी बिजनेस के अंदर, तो उसको लिख के रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एसी ठीक कराया, मैंने किसी को पैसा दिया, तो वो सब हम लोग लिखते हैं। तो उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को हम लोग बुक कीपिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको है ना अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अजय एंड विजय, ये दोनों एक टाइप का नाम है, राइट? नाम है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी, यहाँ भी लिख देता हूँ पी, क्योंकि विजय भी नाम है, अजय भी नाम है, तो ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। पता कैसे चलेगा कौन रिसीवर है कौन गिवर है? तो देखो अजय गेव, तो अजय के पास से जा रहा है, एरो किसके पास जा रहा है मुझे बताओ? विजय के पास। तो अगर विजय के पास जा रहा है तो विजय क्या बन जाएगा? रिसीवर। तो अजय क्या बन जाएगा? गिवर, राइट? अब जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है? देखो बोलने वाला डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? विजय। तो मुझे एंट्री किस तरीके से लिखनी है? मैं ऐसे लिखूंगा विजय अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री इसी तरीके से लिखना है। जो अकाउंट डेबिट होता है उसके सामने हम लोग डेबिट तो लिखते हैं, कैपिटल डी एंड स्मॉल आर, लेकिन जो क्रेडिट होता है उसके बाद में क्रेडिट नहीं लिखते, टू लिख दिया, इसका मतलब क्रेडिट हो गया। एंड आपको ये भी याद रखना, जब आप टू लिखोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस रखना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस रखना है, देन आपको टू अजय लिखना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि एंट्री किस तरीके से फॉर्म होती है पर्सनल अकाउंट की। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो ये रहा सेकंड एग्जांपल, सेम एक सेंटेंस है, रमेश गेव 20,000 टू सुरेश। मैंने जैसा आपको बताया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में ट्रांजैक्शन। रमेश नाम है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट। सुरेश नाम है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट। रमेश गेव, तो इसका मतलब रमेश के पास से गया, किसके पास गया? सुरेश के पास गया, इसका मतलब सुरेश रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। तो रमेश कौन है? रमेश गिवर है। रूल वही, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? सुरेश। तो मैं एंट्री कैसे लिखता हूँ? सुरेश डेबिट द रिसीवर, तो सुरेश अकाउंट कैपिटल डी एंड डेबिट, और फिर टू, यहाँ थोड़ा स्पेस, टू रमेश अकाउंट, टू रमेश लिखा, इसका मतलब रमेश को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, टू लिख दिया मतलब क्रेडिट हो गया, तो हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम हो गई, सुरेश अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, ये था एग्जांपल पर्सनल अकाउंट का। ऐसे ही हमको एग्जांपल रियल अकाउंट का भी करना पड़ेगा। अब देखिए सेम सेंटेंस को समझने की कोशिश की, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, क्या इसमें कोई नाम है? नहीं। फर्नीचर किसी का नाम होता है क्या? नहीं। फर्नीचर तो प्रॉपर्टी होता है, तो ये अगर प्रॉपर्टी है तो ये कौन सा अकाउंट है हमारा? ये है हमारा रियल अकाउंट, राइट? एंड एक वर्ड दिख रहा है कैश, कैश भी कौन सा अकाउंट है? रियल, बिकॉज ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। देखो फर्नीचर को हम लोग बेचेंगे तो पैसा आएगा, और ये तो कैश है, तो कैश एज इट इज रियल अकाउंट होता है। तो फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट है। पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट आइडेंटिफाई तो कर दिया मैंने इस ट्रांजेक्शन को देख के, ये जो परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2000 ये क्या है? एक टाइप का ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन के अंदर या तो पर्सनल होता है, या तो रियल, या तो नॉमिनल। तो जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में पर्सनल पर्सनल था, इस वाले एग्जाम्पल में रियल रियल है। लेकिन रियल अकाउंट का रूल भी तो पता होना चाहिए ताकि एंट्री पास कर सको। देखो रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट
कम्स इन, जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो, अगर कोई चीज़ आई तो डेबिट, कोई चीज़ गई तो क्रेडिट। अब यहाँ देखते हैं, परचेज फर्नीचर, सोचो फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर अपने पास आएगा, फर्नीचर अपने पास आएगा, ये कम्स इन है, ओके, और पैसा अपने पास से जाएगा तो ये गोज आउट है, कैश जा रहा है, देखो कैश जा रहा है, बदले में फर्नीचर अपने पास आ रहा है। रूल क्या है मुझे रूल बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है अपने पास, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है अपने पास से, कैश, तो एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ तुम्हारे पास आ रही है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो चीज़ तुम्हारे पास से जा रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये रूल है रियल अकाउंट का। एक एग्जाम्पल और नीचे, परचेज मोटर कार फॉर कैश 50,000। पहले बताओ इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। अब देखो परचेज्ड मोटर कार फॉर कैश, पहले तो मोटर कार किसका नाम होता है, क्या नहीं, मोटर कार कौन सा अकाउंट है, पहले तो अकाउंट पहचानो, रियल अकाउंट है, राइट। कैश, कैश भी मैंने आपको बताया कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब बताओ रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज्ड मोटर कार, मोटर कार परचेज करेंगे तो मोटर कार अपने पास आएगा, आएगा तो इसकी एंट्री कैसे होगी, मोटर कार अकाउंट डेबिट कैपिटल डी छोटा आर टू क्या जा रहा है अपने पास से, कैश अकाउंट। पैसा जा रहा है, मोटर कार आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अपने पास आ रहा है, मोटर कार आ रहा है तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश अपने पास से जा रहा है। ठीक है, दोनों एग्जांपल में एक चीज़ कॉमन थी कि हम लोग परचेज कर रहे थे, फर्नीचर भी परचेज कर रहे थे और मोटर कार भी परचेज कर रहे थे, इसलिए दोनों एंट्रीज को आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि नीचे टू कैश, टू कैश है, बिकॉज दोनों ही एग्जाम्पल में हमारे पास से पैसा जा रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल रियल अकाउंट के ऊपर और भी है, इस बार सोल्ड फर्नीचर, इस बार फर्नीचर खरीद नहीं रहे, इस बार फर्नीचर अपने पास से जा रहा है, तो सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, पहले तो बताओ इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। फर्नीचर, फर्नीचर मैंने आपको पहले बताया, फर्नीचर हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। पहला काम आपको हमेशा सेंटेंस में देख के कहा देखने का, पर्सनल है या रियल है, तो ये हो गया रियल अकाउंट। कैश, कैश भी मैंने बताया आपको कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो मैं लिख देता हूँ रियल अकाउंट। अब रूल क्या है, रूल देखो, जो बाहर जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट, और जो अंदर आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट। अभी ध्यान से देखना, सोल्ड फर्नीचर, अगर फर्नीचर बेचूंगा तो फर्नीचर अपने पास से जाएगा और कैश अपने पास आएगा। इस बार पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। इस बार देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश ऊपर आ गया, टू क्या जा रहा है अपने पास से, फर्नीचर, फर्नीचर गोज आउट तो टू फर्नीचर। देखो दो ही है ना, अगर आपको एक भी मिल गया, एक डेबिट में मिल गया, तो अपने आप ही दूसरा कहाँ आ जाएगा, नीचे क्रेडिट में, तो एक डेबिट फाइन कर लो, दूसरा अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास पैसा आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर का मतलब फर्नीचर अपने पास से जा रहा है। देखो यहाँ पर जब कैश अपने पास से जा रहा था तो मैंने टू कैश लिखा हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ओके, एक एग्जाम्पल और बता दूँ, सोल्ड मोटर कार फॉर कैश, सेंटेंस को बताओ क्या ये सेंटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब सोचो मोटर कार को बेचा, मतलब मोटर कार तुम्हारे पास से क्या हो रहा है, मोटर कार आपके पास से जा रहा है, ये जो मोटर कार है हमारे पास से जा रहा है। अगर मोटर कार को बेचेंगे तो बदले में मिलेगा क्या, क्या मिल रहा है हमको, कैश मिल रहा है, तो एंट्री क्या आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है अपने पास, कैश आ रहा है, कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ हमेशा यहाँ पर स्पेस छोड़ना पड़ता है, टू क्या बेचा मुझे बताओ, मोटर कार अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में अकाउंट लिखना था, ए ऑब्लिक सी। अब ध्यान से देखो दोनों एंट्री को, सोल्ड फर्नीचर में फर्नीचर जा रहा है और सोल्ड मोटर कार में मोटर कार जा रहा है, तो जब भी कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास से जाती है तो हम लोग उसको टू में लिख देते हैं, और जो चीज़ अपने पास आ रही है उसको हम लोग ऊपर डेबिट में लिख देते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पर्सनल का, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया रियल का। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो ट्रांजेक्शन होगा ना उसमें एक पर्सनल एक रियल होगा, एक पर्सनल एक रियल, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पर्सनल पर्सनल होगा या सिर्फ रियल रियल होगा, हो भी सकता होने को, बट ज़्यादातर ऐसा होगा कि एक पर्सनल होगा, एक रियल होगा या एक नॉमिनल होगा। बिकॉज मैंने नॉमिनल अब तक सिखाया नहीं, तो अभी जो ट्रांजैक्शन या एग्जांपल करेंगे उसमें नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, या तो पर्सनल होगा या तो रियल होगा या तो दोनों होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दोनों के अकाउंट का रूल बता दूं, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जरा जाते देखो एग्जाम्पल्स ऑन पर्सनल एंड रियल दोनों। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको बताऊं, ये जो हमने ट्रांजैक्शन किया ना,
देखो इसको मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला था ना ट्रांजेक्शन है, बट जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है ना उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, पता है कैश ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पर था ना परचेज मोटर कार फॉर कैश, तो ये ट्रांजेक्शन तो है लेकिन कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी सोल्ड फॉर कैश, तो ये जो ट्रांजेक्शन तो है लेकिन कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन। ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। मैं आपको बताऊं ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है, हम लोग उधार पे भी तो सामान खरीदते हैं, है कि नहीं, वैसा होने वाला है। देखो एग्जाम्पल में क्या बोला है, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है बताओ, चलो फर्नीचर करेक्ट रियल अकाउंट है। फ्रॉम रमेश, रमेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। तो देखो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक रियल अकाउंट दिया है, एक पर्सनल अकाउंट दिया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ, रूल लगाओ, अपने आप ही एंट्री मिल जाएगी। परचेज फर्नीचर, पहले अपन रियल अकाउंट के एंगल से चलते हैं। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज किया, रियल अकाउंट का रूल बोलो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर परचेज करेंगे तो क्या फर्नीचर अपने पास आता है, हाँ फर्नीचर अपने पास आएगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया है। टू, नॉर्मल सम होता तो मैंने कैश लिख देता, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में कैश वर्ड दिया है नहीं, यहाँ पर नाम दिया रमेश, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, रमेश, विदाउट लॉजिक लगाए, बिकॉज दो ही है ना, एक मिल गया तो दूसरा अपने आप ही मिल जाएगा। अब अगर लॉजिक लगाना चाहते हो तो लॉजिक लगा सकते हो। देखो ये जो है ना, मैं हूँ, मैंने रमेश के पास से परचेज किया, सपोज मैं ए हूँ और मैंने रमेश के पास से क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर रमेश ने मुझको दिया। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में मैं रिसीवर हूँ और रमेश कौन है, रमेश गिवर है, गिवर है बराबर। तो अभी देखो रमेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में ये जो रमेश है ये गिवर है, इसीलिए इसको मैंने नीचे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश, ऐसे इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, दो ही होता है, एक अगर मिल जाएगा तो दूसरा आप अपने आप ही लिख सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पर भी परचेज मोटर कार फ्रॉम अनिल, ये भी क्या है, एक टाइप का ट्रांजेक्शन है, बट ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब पैसा हमको मिला नहीं है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, मोटर कार परचेज किया, मोटर कार बताओ कौन सा अकाउंट है, मोटर कार है हमारा रियल अकाउंट, और अनिल, अनिल एक टाइप का नेम है, नेम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब रूल लगाना है तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, परचेज मोटर कार, मोटर कार को परचेज करेंगे तो मोटर कार अपने पास आएगा, अगर मोटर कार आपके पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मोटर कार अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोटर कार परचेज किया तो मोटर कार अपने पास आ रहा है, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू। अब कैश तो नहीं लिख सकते बिकॉज कैश है नहीं, और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट मतलब उधार का ट्रांजेक्शन, तो भैया हमने किससे खरीदा, देने वाला कौन है, किसने हमको दिया, अनिल, अनिल पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, बिकॉज इस ट्रांजेक्शन में अनिल ने हमको दिया है, वो गिवर है, इसलिए उसका नाम नीचे, ये लॉजिक वाइज, वरना तो आपने एक से फाइन कर लिया तो दूसरा अपने आप ही आपको मिल जाता है, एक नीचे थोड़ा स्पेस छोड़कर टू और जो भी नाम रहेगा वो लिख देते हैं। आप देखो अब ये वाला ध्यान से देखना एग्जाम्पल, सोल्ड फर्नीचर, क्या किया है, फर्नीचर बेचा है, मैंने फर्नीचर बेचा है, अगर फर्नीचर बेचूंगा तो फर्नीचर मेरे पास से जाएगा, फर्नीचर मेरे पास से जाएगा। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन कौन सा है, क्या इस सेंटेंस में तुम लोग को कैश दिख रहा है, नहीं, अगर इस सेंटेंस में कैश नहीं है इसका मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार का ट्रांजेक्शन। ठीक है, ओके, सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को बेचेंगे, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है बताओ, सबसे पहले रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल वही, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिनेश, दिनेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट है, ओके। अब रूल लगाना है, देखो फर्नीचर अपने पास से जा रहा है, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर अपने पास से जा रहा है, जा रहा है मतलब गोज आउट है, गोज आउट है मतलब फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अगर फर्नीचर को क्रेडिट करना है तो डेबिट किसको करना है, अच्छा मुझे बताओ ये जो फर्नीचर है वो किसके पास जा रहा है, दिनेश के पास जा रहा है, दिनेश रिसीवर है, राइट। अगर मैं अपना फर्नीचर दिनेश को दूंगा तो दिनेश उसको रिसीव कर रहा है, राइट। तो क्योंकि दिनेश रिसीवर है और दिनेश पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, है ना, डेबिट द रिसीवर। तो इसका मतलब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, दिनेश अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट का डेबिट क्यों किया, बिकॉज दिनेश नाम है, पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से यह रिसीवर है, इसलिए दिनेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अपने पास से जा रहा है, तो टू फर्नीचर, मैंने फर्नीचर बेचा, दिनेश को बेचा, तो इसलिए दिनेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ओके। ठीक है, चलो और आगे जाते हैं, एक और एक सेंटेंस, सोल्ड मोटर कार टू राकेश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है,
जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें बोला है सोल्ड मोटर कार, पहले मुझे बताओ मोटर कार कौन सा अकाउंट है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, रियल अकाउंट, करेक्ट। राकेश नेम है, कोई भी टाइप के नेम को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। अब देखो एक ही सेंटेंस में पर्सनल भी है रियल भी है, अभी लॉजिक लगाओ। मोटर कार सोल्ड हुआ, सोल्ड हुआ मतलब मोटर कार हमारे पास से जा रहा है, मोटर कार हमारे पास से जा रहा है, जा रहा है मतलब गोज आउट। अगर गोज आउट है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। किसके पास जा रहा है, कौन है रिसीवर, किसको मिल रहा है, राकेश को मिल रहा है, रिसीवर है राकेश। राकेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि राकेश रिसीवर है तो रूल है डेबिट द रिसीवर, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि मोटर कार अपने पास से जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो टू मोटर कार, राकेश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। ये हो गई हमारी एंट्री खत्म, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया पर्सनल का, मैंने आपको एग्जांपल बताया रियल का, मैंने आपको एग्जांपल बताया पर्सनल एंड रियल दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या करना है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, देखियो जब भी मैंने ये जो एंट्री की थी यहां पर फर्नीचर परचेज की फॉर कैश, तो एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अगर सपोज इस सेंटेंस में कैश नहीं होता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो होता, लेकिन नीचे यहां पर नाम मेंशन कर देता तो मैं नाम लिख देता, तो इसका मतलब जब भी कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा और परचेज होगा तो एसेट ऊपर होगा एंड कैश नीचे। ये आप लोग चाहो तो ऐसा याद करने के लिए कर सकते हो कि जब जब कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे तो वो अकाउंट डेबिट ही होगा, एंड जब जब वो एसेट या उस प्रॉपर्टी को आप बेचोगे तो वो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए पर्सनल एंड रियल के, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।